नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारियाँ लगातार मिलती रहती हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, ये है राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। एमपीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हर साल, प्री एमपीएड जिसको बोला जाता है, प्रीवियस ईयर का है ये। 2019 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सोल्यूशन है विद आंसर की। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो एमपीएड प्री एमपीएड के लिए, तो 4 दिन से फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अपना फॉर्म समय रहते अप्लाई कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो, ताकि आपको अनुमान हो जाए कि एंट्रेंस का जो एमपीएड होता है, एंट्रेंस होता है एमपीएड का, वो किस लेवल का था जिससे आपको हेल्प मिले। इसके अलावा अगर आप फिजिकल एजुकेशन से जुड़े और हर प्रकार की अपडेट स्पोर्ट्स की समय समय पर चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी साथ में हिंदी भी है, आप दोनों हिसाब से देख सकते हो। विच इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ टेक्टिकल एक्शन। अगर आप रणनीति बना रहे हो तो उसका पहला स्टेप आपका क्या होगा? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका परसेप्शन एंड एनालिसिस। सबसे पहले आप परसेप्शन करोगे, किस प्रकार के हालात हैं उसका विश्लेषण करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा समय ले, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ 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 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जो हमारे काम के हैं। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लीवर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स। जो बॉडी में मूवमेंट होती है उसमें सबसे ज़्यादातर कौन सा लीवर प्रयोग किया जाता है? मेनली 2 प्रकार के लीवर होते हैं, प्रथम प्रकार का लीवर, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का। तो सबसे ज़्यादा जो बॉडी में लीवर प्रयोग होता है वो होता है आपका थर्ड क्लास लीवर का, ठीक है। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, एक प्रकार का लीवर मानिए, यहाँ पे आपका एक्सिस होगा, यहाँ पे आपका फोर्स लगेगा और यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा मैं आपको गलत बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ। ओके, जैसे मैं बता रहा था वैसा ही होगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये क्या होता है, ये लीवर मानिए, यहाँ पे आपका एक्सिस, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे वेट होता है, तो ये थर्ड क्लास ऑफ लीवर होता है। फर्स्ट में क्या होता है आपका, फर्स्ट में आपका बीच में एक्सिस होता है और एक तरफ फोर्स लगेगा, यहाँ पे होता आपका वेट होता है, और जो सेकंड क्लास लीवर होता है वहाँ बीच में आपका वेट होता है, आगे एक्सिस होता है, पीछे फोर्स लगता है। कुल मिला के ये 3 प्रकार के एक्सिस होते हैं। तो थर्ड प्रकार का जो लीवर होता है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है, हु वॉज द मैन बिहाइंड राइज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन। जो स्वीडन में फिजिकल एजुकेशन को राइज करने के पीछे किस व्यक्ति का जो हाथ था, सबसे मैन किसका रोल था? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पर हेनरिक लिंग, जो है वो व्यक्ति थे जिसने स्वीडन में फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की। नेक्स्ट है, विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का जो है कौन सा जो है सिद्धांत नहीं है? तो आपका जो प्लानिंग का सिद्धांत नहीं है, बजट प्रावधान जो है प्लानिंग का कोई भी सिद्धांत नहीं होता। इसके अलावा परफॉर्मेंस डेवलपमेंट आपकी होनी चाहिए, वहाँ पर कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है और बेस्ड ऑन ऑल इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो हमारा फोर्थ का आंसर बजट प्रावधान जो है इसका प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट है, विच इज नॉट ए मेथड ऑफ इम्प्रूविंग एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने का कौन सा जो मेथड नहीं है? तो आपका रिएक्टिव मेथड जो है कोई भी ये मेथड नहीं है एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने का, बाकी सारे आपके मेथड इम्प्रूव करने के हैं एंड्योरेंस। इसके बाद है, विच मोडलिटी इज यूज टू रिलीव मसल्स पेन एंड इम्प्रूव जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो कौन सी जो है आपकी तरीका है जिससे आप मसल्स के जो जॉइंट दर्द होता है उसको दूर करेंगे और जोड़ों के लचीलेपन में जो है सुधार करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड जो होती है हमारी जो मोडलिटी होती है, वो जो है मोडलिटी बोल सकते हो आप इसको, वो जो है यूज की जाती है आपके मसल्स के पेन और जोड़ों में लचीलेपन में सुधार के लिए। नेक्स्ट है, वेरी इजी क्वेश्चंस। आपने अगर मसल्स के टॉपिक्स को पढ़ा हो तो इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा नीचे चला गया ये, लेकिन थ्रोअर ये पूछा कि थ्रोअर मसल्स की कौन सी होती है, जो हमारी थ्रोअर अगर हमें कोई चीज़ फेंकनी हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी मसल यूज होती है? तो वो होती है आपकी पेक्टोरियस मेजर, चेस्ट की मसल है, डेल्ट्रॉइड से जस्ट नीचे आओगे आप साइड में क्लेविकल बोन की तरफ, तो वहाँ पर होती है पेक्टोरियस मेजर मसल, चेस्ट के अंदर होती है, तो ये जो आपकी होती है थ्रोअर मसल होती है।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी मांसपेशी क्वाड्रीसेप्स समूह की नहीं है। क्वाड्रीसेप जो समूह हमारा थाई का होता है, तो पूछा है कि कौन सी मसल जो है ये दी गई हैं, इनमें से कौन सी जो है उस ग्रुप की नहीं है। क्वाड्रीसेप थाई की मसल है, जो मसल्स ऑफ ग्रुप है, जहाँ पे अलग अलग मसल्स होती हैं उनका जो पूरा ग्रुप बनता है, तो पूछा कि कौन सी जो मसल है वो उस समूह से नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाइसेप्स फेमोरिस, जो इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा जो इसका जो पार्ट होता है वो होता है आपका, एक होता है रेक्टस फेमोरिस, वो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो वो इसका पार्ट होती है। बाकी सॉरी दे रखा है ये भी, तो इसमें जो नहीं दे रखा है हमें, मेनली नहीं दे रखा है वास्टस मीडियलिस भी दे रखा है, वास्टस लेटरलिस भी दे रखा है, और यहाँ पे रेक्टस फेमोरिस भी दे रखा। तो कौन सी मसल हमारी रह गई, फोर्थ ये मसल होती हैं चार, रेक्टस फेमोरिस यहाँ पे दे रखा चार नंबर पे, तो एक वास्टस लेटरलिस इसमें दे रखा है, वास्टस इंटरमीडिएट्स इसमें नहीं दे रखा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा। लेकिन जो बाइसेप फेमोरिस इस समूह ग्रुप का जो है मसल ग्रुप का वो पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग बजट, जो है बजट बनाने के प्रिंसिपल होते हैं, तो पूछा है कि कौन सा जो है प्रिंसिपल नहीं है बजट बनाने का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे मेरे को जो है दो ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं। दो तो पक्का है कि प्रिंसिपल होते हैं कि पिछले बजट का विश्लेषण आपको करना और फ्लेक्सिबल बजट आपका होना चाहिए। इसके बाद मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इन दो आंसर में लग रही है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो वहाँ पे मेरे को इस प्रकार के प्रिंसिपल नहीं मिले, वहाँ पे कुछ बताया गया अलग तरीके से, लेकिन दो तो पक्का प्रिंसिपल हैं, लेकिन तीसरा नहीं पता। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपको अगर इसका आंसर पता हो तो ज़रूर मेरे को बताएं, लेकिन मैं आपको गलत आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि कई बार चूक हो जाती है फिर समस्याएं पैदा होने लगती हैं, तो दो के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेन्यू वेलगम इज ऑल्सो कॉल्ड, जेन्यू वेलगम को और आप क्या कह सकते हो, तो इसको जैसे दूसरा नाम पूछा है, जैसे कोई भी आपकी डिफॉर्मेटी होती है बॉडी की उसका एक दूसरा नाम भी होता है, तो वो पूछा है कि उसको आप दूसरा किस नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका नौकनी, जो ऑप्शन नंबर एक है वो बिल्कुल राइट है। इसके बाद आदर्शवाद का जो है पिता में किसको बोला जाता है, प्लेटो, वेरी इजी क्वेश्चन। आदर्शवाद का पिता में इसको माना जाता है आपका प्लेटो को। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेन्स हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कार्नियल नर्व, तो कितने यहाँ पे जोड़ियाँ होती हैं, कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12, 12 जो है जोड़ियाँ होती हैं। इसके बाद है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये आपके थॉमस बाक हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म सेटलमेंट सेटलमेट स्लेटमेट इज एसोसिएटेड विद विच गेम, तो ये हो जाएगा आपका चेस के साथ, शतरंज के साथ ये संबंधित है। इसके बाद है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी, तो ये आपके जॉन गट्स मत्स जो है मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन के जो है जनक माने जाते हैं। इसके बाद है टोटल मैचेस इन द फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 53 टीम, अगर नॉकआउट आप मैच करवा रहे हो और 53 टीम है, तो आपके पहले राउंड में कितने मैचेज होंगे, तो सीधा सा हिसाब होता है कि आपको नंबर ऑफ बाइज निकालने होते हैं। नंबर ऑफ बाइज का मतलब क्या होता है, जो टोटल टीमें हैं उससे आगे दो का जो है सबसे छोटा गुणांक कौन सा होगा, तो यहाँ पे 64 इसका सबसे छोटा गुणांक होगा, तो उसमें से आप जब 53 को कम करते हो तो कितनी टीमें जो हैं बच जाती हैं, उनको बाई मिलेगी, बाकियों के जो है मैच होंगे, तो यहाँ पे जो है आपका बचेगा एक और 11 टीमें, तो 53 में से 11 गए तो पीछे बच गई 42 टीमें, तो 42 टीमों के बीच जो है मैच होने हैं, तो टोटल आपकी 21 मैच होंगे, क्योंकि जो 11 टीमें उनको बाई मिल जाएंगी। इसके बाद है विच स्टेटमेंट इज कोरेक्ट वहन एक्सपेडिट सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड इन टेबल टेनिस, तो ये यहाँ पे सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है इन विच ईयर एच वी पी एम अमरावती वॉज एस्टिब्लिश्ड, तो ये कब बना था, 1914 में एस्टिब्लिश किया गया था वैद ब्रोदर के द्वारा।
नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वुंट को साइकोलॉजी का पितामह कहा जाता है। इसके बाद है नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो पेपर का लेवल जो है एवरेज रहा है, ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट है, YMCA के पहले जो है प्रिंसिपल कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर अच्सी बक, लेकिन ये बहुत सारे बुक्स में और भी एक नाम आता है, मेरे को वो ध्यान नहीं आ रहा कौन सा आता है, लेकिन आता जरूर है प्रिंसिपल को लेके खास क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे दिए गए तो अच्सी बक के साथ आप जाएंगे। पीएम जोसेफ जो है अलन आईपी के पहले प्रिंसिपल थे आपके ग्वालियर में, जो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, इफ़ टॉप स्पिन बॉल इज इम्पार्टेड टू ए बॉल देन आफ्टर द कॉन्टैक्ट बॉल विल ट्रेवल विद, तो कॉन्टैक्ट बॉल कैसे ट्रेवल करेगी? तो वो क्या करेगी, अगर आप हाई स्पिन टॉप स्पिन के साथ बॉल को फेंकते हैं तो वो लेस हाइट के साथ बहुत स्पीडली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेज कॉल्ड, जो प्रोटीन बनते हैं वो सरल पदार्थों से किससे बनते हैं? वो आपके अमीनो एसिड से बनते हैं। ये बाकी जो आपके नाम दे रखे हैं कौन सा किस विटामिन, जैसे B1 जो आपका थायमिन नाम जो है B1 विटामिन का होता है, इसी प्रकार से ये दे रखे हैं सारे, ठीक है। तो अमीनो एसिड से आपके प्रोटीन्स बनते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज फाउंडर ऑफ ओलंपिक मूवमेंट? ओलंपिक मूवमेंट का फाउंडर कौन था? तो आपके बैरोन पीएलडी कुबर्टिन जो है ओलंपिक मूवमेंट के फादर जो है माने जाते हैं। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी इज, लार्जेस्ट वेन कौन सी ह्यूमन बॉडी में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इन्फीरियर वेना कोवा जो है लार्जेस्ट जो है वेन है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर कौन किसे माना जाता है? कोलमन ग्रिफ्थ को माना जाता है। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाता है लंबा वीडियो, तो जो समझाने का क्वेश्चन होगा उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता काल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंपटीशन, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है कंपटीशन पीरियड का? तो ये आपका मैक्सिमम 5 महीने का आप कम कर सकते हो, जनरली 2 से 3 महीने का होता है, लेकिन मैक्सिमम आप 4 से 5 महीने इसको मान सकते हो। नेक्स्ट है, स्टेगर फॉर सेकंड लेन ऑफ 1.22 मीटर वाइड इन 200 मीटर रन इन 200 मीटर ट्रैक, 200 मीटर ट्रैक के अंदर जो दूसरा स्टेगर यहाँ पे पूछा है वो कितना होता है? तो यहाँ पे जो स्टेगर होता है वो 3.52 के आसपास होता है, तो यहाँ पे आप इसके साथ जा सकते हैं 3.57 के पास, इसी के आसपास होता है अगर 200 मीटर का ट्रैक है तो उसमें सेकंड लेन का जो स्टैगर होगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के फादर किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सर्कल ट्रेनिंग के पितामह कौन है, किसने शुरू किया? तो ये मॉर्गन एंड एंडरसन ने जो आपकी शुरू की थी। फिर है, ड्यूस शब्द किससे जुड़ा है? तो ये आपका टेनिस से जुड़ा है। नेक्स्ट है, हील बोन इज ऑल्सो कॉल्ड, हील बोन को क्या बोला जाता है? कल्केनियस बोन आपकी जो होती है ना एडी की हड्डी, उसको कल्केनियस बोन बोला जाता है। नेक्स्ट है, MS Excel मस्ट बिगेन्स विद विच साइन? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 33 में। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ मैचेस इन ए लीग टूर्नामेंट ऑफ 7 टीम विल बी, यहाँ पे जो ना क्वेश्चन थोड़ा गलत हिसाब से लिखा है। वैसे तो अगर इसका राइट आंसर हम देखें 21 यहाँ पे है, तो वो सिंगल लीग अगर होती है तो उसके हिसाब से है, अगर डबल लीग होती तो यहाँ पे कुछ राइट आंसर होता और होता, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिख रखा है। तो ऑप्शन भी हमारे पास 21 दिया है, वो सिंगल लीग का है कि सिंगल लीग आपके पास अगर आप करवा रहे हो 60 टीमें तो आपके मैचेस कितने होंगे 21, अगर डबल लीग होती है तो आपका कितना हो जाता है ये 42 मैच हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फार्मूला होता है लीग टूर्नामेंट में निकालने का, अगर सिंगल लीग होती है तो आपकी n(n-1)/2, ये सिंगल लीग का है, यहाँ पे n आएगा नंबर ऑफ टीम। अगर डबल लीग होती है तो नीचे से 2 हटा देते हैं, फिर ये फार्मूला लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की डिफिशेंसी से आपको क्या हो सकता है? तो स्कर्वी रोग आपको हो सकता है। नेक्स्ट है, इंडियन प्लेयर हु हैज़ नॉट वॉन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक गेम्स, कौन सा प्लेयर है जिसने अभी तक ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं जीता दिए गए ऑप्शन में से? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गगन नारंग। गगन नारंग ने जो है अभी सिल्वर मेडल ओलंपिक में नहीं जीता है। अगर स्टिपल चेस आप रनिंग करवा रहे हो तो नंबर ऑफ हर्डल्स इंक्लूडिंग वाटर जंप एंड क्लियर्ड बाय द रनर, तो टोटल कितनी जो है छलांग लगानी पड़ेंगी उसको, बाधाओं की संख्या कितनी होगी? तो टोटल होती हैं 35, 28 हर्डल और 7 आपके वाटर जंप यहाँ पे होते हैं।
नेक्स्ट है, इन विच फॉर्मेट सुपर ओवर इज यूज इफ ए क्रिकेट मैच इज टाइड। कौन कौन से पूछा कि कौन कौन से वो प्रारूप होते हैं क्रिकेट के जहाँ पे मैच अगर बराबर हो जाए तो सुपर ओवर जो है फिकवाया जाता है। तो आपका बोथ ए एंड बी में जो है फिकवाया जाता है, वनडे और टी ट्वेंटी में। नेक्स्ट है, साइनोकोबालमिन जो होता है विटामिन का नाम, वो कौन से विटामिन का होता है? तो ये आपका बी ट्वेल्व का ये नाम जो है होता है। नेक्स्ट है, डायनेमिक स्ट्रेंथ को आप किस नाम से जान सकते हैं? तो डायनेमिक स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी एक प्रकार की आइसोटोनिक स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट है, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, जो एक साइड जो आपका वक्र बन जाता है स्पाइन में उसको आप क्या कह सकते हो? स्कोलियोसिस आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट है, विच इज मोस्ट रिलायबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो मोस्ट रिलायबल विश्वसनीय माप कौन सा? केंद्रीय प्रवृत्ति का आपका मीन होता है। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द स्टेप ऑफ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन का जो है कौन सा स्टेप नहीं है, मतलब प्रस्तुतिकरण का कौन सा पद नहीं है? अगर आप किसी चीज़ को प्रस्तुति दे रहे हो तो उसमें जो है कौन सा पद नहीं आएगा? तो ये आपका स्पेसिफिकेशन उसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसको बोल सकते हो आप। और नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे आपके? पीएम जोसेफ। और नेक्स्ट है, एक टेराबाइट किसके इक्वल है? तो ये आपकी 1024 गीगाबाइट के जो है इक्वल है। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न योगा? मॉडर्न योगा के फादर किसको माना जाता है आपके? पतंजलि जी को माना जाता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? तो उसको आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। पहला आपका होता है लॉ ऑफ इनर्शिया और जो लास्ट होता है आपका लॉ ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसको विटामिन सी भी आप कह सकते हो। सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये आपके आंवला में होता है, बाकी इनमें भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा की बात आई तो आंवला में होता है। नेक्स्ट है, प्रोटेक्टिव फूड आर रिच इन विच डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट? जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, रक्षात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनमें किसकी मात्रा होती है? सारे ये प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज नॉट यामा? यम कौन सा यम नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए वाटर टीम, वाटर पोलो टीम, तो कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो की टीम में? तो 7 प्लेयर जो है एक टीम में वाटर पोलो की टीम में होते हैं। नेक्स्ट है, वाडा स्टैंड फॉर, वाडा किसके लिए स्टैंड करती है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यहीं पर नाडा अगर आ जाता आपका NADA, तो वो किसके लिए स्टैंड करता? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए। नेक्स्ट है, वेहर टेंसर फेसिए लेट मसल इज लोकेटेड? टेंसर फेसिए लेटे मसल कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? तो ये मसल आपकी होती है जांग की मसल, आप इसको कह सकते हो, थाई के जो अंदर का हिस्सा होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है, द ट्रम ऑर्बिटर से, ऑर्बिटर इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ जुड़ा हुआ है ये आपका? तो जो ऑर्बिटर है ये शब्द आपका किसके साथ जुड़ा, कौन से गेम के साथ? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आर्बिटर का नॉर्मली मतलब यही होता है कि जो ऑफिशियल होता है, जो रेफरी होता है, वहीं उसी के साथ ही जुड़ा होता है। तो लगभग जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपके हर गेम में होते हैं। आप किसी भी गेम को अगर उदाहरण के तौर पे लेंगे तो आपको लगभग हर गेम के साथ ऑफिशियल्स होते हैं जो निर्णायक का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मेरे को लग रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हम किसके साथ जाएं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। और बाकी जो है आप इस क्वेश्चन में जो है शतरंज के साथ जा सकते हैं, चेस के साथ, क्योंकि ये इसके साथ भी जुड़ा है। टाइटल अवार्ड है ये चेस की तरफ से जो दिया जाता है, एक प्रकार का फीडे जो इनकी इंटरनेशनल संस्था उसकी तरफ से जो अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ये जो आर्बिटर है ये नॉर्मली इसका मतलब तो यही होता कि ऑफिशियल जो निर्णायक होता है वो जो हर गेम में होता है, लेकिन जो यहाँ पे जो आर्बिटर शब्द यूज किया है ये शतरंज के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, माइक्रोसाइकिल प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रोसाइकिल प्लान उसको और आप किस नाम से जान सकते हैं? तो वीकली प्लान उसको आप कह सकते हो, जो सबसे छोटा होता है 4 से 7 दिन तक। नेक्स्ट है, विच इज नॉट ए मेथड ऑफ इम्प्रूविंग सिंपल
रिएक्शन एबिलिटी, जो रिएक्शन एबिलिटी को बढ़ाने की जो विधि है वो इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये आपकी पेस मेथड जो है कोई भी ऐसा मेथड नहीं, क्योंकि ये जो मेथड होता है आपका इंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए होता है। नेक्स्ट है विच प्लेयर इज नॉट अवार्डेड पद्म भूषण, पद्म भूषण से अब तक किस खिलाड़ी को सम्मानित नहीं किया गया है, तो आपकी पीवी सिंधु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन थ्योरी ऑफ अग्रेशन इज एसोसिएटेड विद, तो आपकी जो मोटिवेशन की जो थ्योरी है अग्रेशन की वो किसके साथ जुड़ी है, वो आपकी कोनार्ड लोरेंज के साथ जो है जुड़ी है, ऑप्शन एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लिब्रो, लिब्रो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिब्रो कैन इंटर कोर्ट इन एनी टाइम, ये जो है राइट इसके बारे में नहीं है। नेक्स्ट है इन विच गेम यूजुअली चैलेंज टूर्नामेंट नॉट कंडक्टेड, वो कौन सा गेम है जिसमें चैलेंज टूर्नामेंट कंडक्ट नहीं किए जाते हैं, तो वो आपका है फुटबॉल। जो चैलेंज टूर्नामेंट ये होता कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को जो है चैलेंज दे देता है, तो टीम गेम में जो है सिंगल प्लेयर दूसरे प्लेयर को चैलेंज नहीं दे सकता, तो इसलिए फुटबॉल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज नॉट द प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे नहीं दिया गया, यही पूछा है रिसिपेंट किसे प्रदान नहीं किया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 62 नंबर। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट मसल इन बॉडी, बॉडी की सबसे लंबी मसल पूछी, तो आपकी सार्टोरियस। नेक्स्ट है जो आपकी मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी है जो यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज की जो चैंपियन होती है पूरे साल, वो कौन सी ट्रॉफी है आपकी मौलाना अबुल कलाम आजाद, पूछा कि वो कब शुरू की गई, तो आपकी 56-57 में शुरू हुई, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आर प्रीमियरली डिपेंडेंट ऑन, तो जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी मोटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन प्रोसेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये ऑप्शन बी एंड सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है 2024 के ओलंपिक गेम्स आपके कौन है, तो वो आपके होने पेरिस में। नेक्स्ट है ओकेजनली प्रेगमेटिज्म इज रिफर्ड टू विच प्रेगमेटिस्ट, तो जो प्रेगमेटिज्म का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था ये पूछा है, तो ये आपके जॉन डेवी थे प्रेगमेटिस्ट जिन्होंने प्रेगमेटिज्म की बात की थी। नेक्स्ट है विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है जो ना के बराबर पाया जाता है, वो आपका ए बी माइनस है जो सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ पावलोव इज एसोसिएटेड विद, जो पावलोव का नेम है किसके साथ जुड़ा है, वो आपका लर्निंग बाय कंडीशनिंग रिफ्लेक्स के साथ इनका नाम जुड़ा है। नेक्स्ट है वायरस इज स्टैंड फॉर, वायरस किसके साथ जुड़ा है, तो ये आपकी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज्ड के साथ जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मार्किंग रेडियस ऑफ 200 मीटर बोर्डी ट्रैक विद 4 मीटर स्ट्रेट लेंथ, यहाँ पे पूछा है मार्किंग रेडियस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर ट्रैक की मार्किंग रेडियस आपसे पूछा है। देखो इसका मैं इजी सा फार्मूला आपको बताता हूँ क्या होता है, अगर 40 मीटर की स्ट्रेट होगी तो हमारे पास जो करो जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रैक मानिए ये 40 मीटर का आपका स्ट्रेट होगी, तो 200 में से 40 की ये 40 की पीछे क्या बचा 120। अब बात आती है हमें चाहिए यहाँ से यहाँ की रेडियस, मतलब त्रिज्या हिंदी में बताऊं तो, अब आफ ये हमने लिया और आफ ये पूरा क्या बन गया, एक प्रकार का सर्कल बन गया। अब इसकी टोटल दूरी कितनी है 120, या आप इसको सर्कमफ्रेंस या परिधि बोल सकते हो, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है गोले का मैथ के अंदर जाएं तो हम 2πr। अब इस फार्मूले को हम लगाते हैं, ये परिधि का फार्मूला, परिधि हमारे पास है 2πr का कितना मान होता है 22 बटे आपका 7 होता है, और r हमें निकालनी और बराबर कितना हो गया 120। अब 2 से आप इसको काट सकते हो 60 और 22 इधर है, तो ये फिर से 11 के ऊपर चला गया, 2 से काटा यहाँ पे बच गया 30, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई 11 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये हमारे पास क्या बचा 330, सॉरी जो है माफ़ी चाहूँगा मैं फिर से आपको फार्मूलाइजिंग लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे 2πr मैंने बताया आपको परिधि का फार्मूला, परिधि हमारे पास कितनी 120, 2 गुणा 22 बटे 7
आर हमें निकालनी है। तो इन चीज़ों को इस साइड लेके आएंगे तो ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाती हैं, 22 गुणा 2, और ये ऊपर चला गया आपका 7। ये काटा हमने 4 से डायरेक्टली, तो यहाँ पे बचेगा आपका 11। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये बचेगा 30 और आपका 7 या 21, 210 बटे 7। अब निकालते हैं इसकी परिधि, तो वो कैसे निकलेगी, सॉरी नीचे 11 बचेगा, 11 एकम 11 आपका, फिर कितना बच गया ऊपर से नीचे हमने उतारा इसको, 210 को हम अगर 11 से भाग दें, 210 को 11 से भाग दें तो 11 एकम 11 यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे 0 बचेगी, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 1। अब भाग जाने के लिए ऊपर से 100 उतारेंगे तो 11 नहीं 99, तो यहाँ पे 9 फिर 1 बच जाएगा, तो हमारा जो रेडियस आ जाएगा आपका ये 19 वाला 19.09 मीटर, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए मेथड, हालांकि मैं बताना चाहूँगा अगर ये फार्मूला आपको अभी समझ नहीं है मैं बोर्ड पे भी करवा दूंगा, आप कमेंट में बताएं अगर आपको प्रॉपर पता करना है तो। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सचर फॉर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का फिक्सचर आप ड्रॉ कर रहे हो तो कौन सा मेथड नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका बैगनल विल्ड मेथड। नेक्स्ट है हु एस्टिब्लिश्ड फिलोंथ्रोपियन, फिलोंथ्रोपियन जो संस्था थी पुराने समय में वो किसके द्वारा एस्टिब्लिश्ड की गई थी, जैन जॉन बेसेडो के द्वारा आपकी एस्टिब्लिश्ड की गई थी। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग वॉज प्रोडेड बाय, ट्रायल एंड एरर मेथड किसके द्वारा दिया गया था आपका, ईएल थार्नडाइक के द्वारा, तो ये ईएल थार्नडाइक आपके ट्रायल एंड एरर मेथड के खोज करता थे। नेक्स्ट है वह एन एथलीट परफॉर्म इन कम्पिटिटिव सिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जब खिलाड़ी जो है वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है कंपटीशन में तो वो किस प्रकार की एंजाइटी की एक अवस्था, ये पूछा, तो वहाँ पे क्या होता है एक प्रकार की स्टेट एंजाइटी होती है। ट्रेट एंजाइटी तो हमारे अंदर जन्मजात होती है, लेकिन जो सिचुएशनल एंजाइटी हमारे अंदर जो पैदा हो रही थी वहाँ पर क्या होता है स्टेट एंजाइटी वो डेवलप होती है उस दौरान। नेक्स्ट है विच मॉडलिटी इज़ यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्वेलिंग एंड टिश्यू डैमेज, कौन सी जो है थेरेपी यूज की जाती है सूजन और उत्तक अस्थि को कम करने के लिए, वो आपकी हॉट एंड कोल्ड थेरेपी जो है यूज की जाती है दोनों ही। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक कब स्टार्ट हुए, विंटर ओलंपिक तो ये 1924 में पेरिस में आपके पहली बार हुए थे ये फ्रांस में। नेक्स्ट है मैक्सिमम वेट ऑफ शटल सेल भी, मैक्सिमम वेट कितना होता है शटल का आपका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम जो आपका मैक्सिमम वेट शटल ग्राम का हो सकता है। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब लॉन्च की गई, तो ये लॉन्च की गई थी 1953 में, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही ऑप्शन दे रखे हैं जो राइट ऑप्शन मेरे को नहीं लग रहे हैं, तो ये ऑप्शन से गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है विच ग्लैंड सेक्रेटेड ग्रोथ हार्मोन, कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज करती है, तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेंथ ऑफ हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 105 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वहन महाराणा प्रताप अवार्डेड फॉर राजस्थान प्लेयर्स वॉज इंस्टीट्यूटेड, मतलब राजस्थान के खिलाड़ियों को महाराणा पुरस्कार कब देना शुरू किया गया, तो ये आपका 1982-83 में। नेक्स्ट है विच फार्मूला इन एक्सेल इज करेक्ट टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ सेल B1, B2, B3, इसका फार्मूला पूछे, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज, जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज का जो नियम है वो किसके साथ संबंधित है, तो ये आपका लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज के साथ संबंधित है। नेक्स्ट है प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, ये आपका विश्वनाथ आनंद को जो दिया गया था जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टैक्टिकल प्रिपरेशन, जो टैक्टिकल प्रिपरेशन होती है वो जो है उसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं होगी, तो इसमें जो मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है 2020 के यूथ ओलंपिक गेम्स जो है कहाँ पे होंगे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लुसेन। नेक्स्ट है इफ्लुरेज मसाज मैनिपुलेशन इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ, किसका क्लासिफिकेशन, ये आपका स्ट्रोकिंग का क्लासिफिकेशन है।
फिराफीना जो है किसके साथ जुड़ा है? ये एक प्रकार की इंटरनेशनल जो फीना जो एसोसिएटेड विद विच गेम किसके साथ जुड़ी है संस्था आपकी? स्विमिंग की ये संस्था है जो गेम्स करवाती है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन डायरोबिक टाइप ऑफ फाइबर्स ऑल्सो कॉल्ड, जो ह्यूमन बींग के मसल्स के अंदर दो प्रकार के फाइबर होते हैं, रेड मसल फाइबर, वाइट ब्लड मसल फाइबर। इसके अलावा इसको एरोबिक फाइबर या एनारोबिक फाइबर भी बोला जाता है, दो दो प्रकार के पाए जाते हैं। पूछा कि जो एरोबिक फाइबर हैं वो कौन से होते हैं, उसको और किस नाम से पुकार सकते हैं? स्लो ट्विच मसल फाइबर, हाँ पुकार सकते हैं। स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स पुकार सकते हैं, रेड फाइबर्स इसको ये भी बोल सकते हैं, ऑल ऑफ द डीज ये सारे ही सही हैं। एरोबिक मसल फाइबर क्या होते हैं, जो विद ऑक्सीजन काम करते हैं, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा नहीं है? तो स्किल जो है इसका कोई भी डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, बाकी सारे ही डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं। नेक्स्ट है 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होने हैं? तो बर्मिंगम में आपके जो है ये होने हैं। नेक्स्ट है रेटिनॉल जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, कौन से विटामिन का? तो ये आपका विटामिन ए, विटामिन बी का मैंने बताया था आपको थायमिन। नेक्स्ट है विच कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व द बोन, कौन सा सहजीव तक जो हस्ती को ढकता है? ये आपका होता है पेरी ओस्टियम। नेक्स्ट है कुश्ती के रैप्चेज राउंड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी, ओनली वन ब्रॉन्ज मेडल टू द विनर। नेक्स्ट है आपका 9th एशियन गेम्स विल बी हेल्ड एट, तो ये आपके हेंगझाओ में होने हैं। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ प्ले, तो ये किसके द्वारा दी गई थी आपकी? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है फीटा इज एसोसिएटेड विद विच गेम, तो फीटा किसके साथ जुड़ा आपका? तीरंदाजी के साथ। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ स्पीड इंड्योरेंस, कौन सा जो है स्पीड इंड्योरेंस का डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है? तो ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है द पेनक्रियाज सिक्रेट, किसको सिक्रेट करती है पेनक्रियाज? इंसुलिन को सिक्रेट करती है। ये थे आपके 100 क्वेश्चंस राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रीवियस एग्जाम के प्री एमपीएड, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका 100 नंबर का एग्जाम होता है, एक नंबर का क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है। तो ये था आपका एंट्रेंस एग्जाम जो हमने आपको करवाया। आपको हमारे द्वारा करवाया गया ये क्वेश्चन पेपर अगर हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। तो आज का यही वीडियो था और मैंने कम्युनिटी टैब में एक कम्युनिटी में चैनल की कम्युनिटी में एक लिंक भी पोस्ट डाली थी कि किस किस को राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहिए, तो हमने डाल दिया। थोड़े बहुत आपका जो है ना वीडियो फोटोज़ की जो क्लियरिटी में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्टे करेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेक्ट करवा सके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा कोई राजस्थान प्री एमपेड का हमें पेपर मिलता है तो वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। इसके अलावा जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है एंट्रेंस के बाद उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखा तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।